नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर। आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि KVS, MCD, PRT और DOE के रिजल्ट का एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। मेरा कहना यह है कि बच्चों के हाथ में लड्डू ही लड्डू हैं, तो जो एस्पिरेंट हैं, जो नौकरी नहीं पाए हैं, उनको मिलेगी नौकरी। मैं बोल रहा हूँ कैसे मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अब जैसे सपोज कीजिए KVS में अभी आज ट्विटर हुआ है कि अभी भी इलेक्शन कमीशन ने हरी झंडी नहीं दी है कि आप रिजल्ट घोषित कीजिए। तो जैसे जैसे ये रिजल्ट डिले हो रहा है और इधर MCD में फाइनल इनका हो चुका है, रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुका है। सपोज कर लीजिए कि जो ये 4000 से ज़्यादा बच्चे इसमें पास हुए हैं, इनमें से 1000 बच्चे अगर KVS में भी हैं और होंगे, 100% होंगे, 1000-1500 बच्चे कॉमन होंगे, ठीक है, और DOE में भी हैं, तो करीब करीब मेरे हिसाब से 1500-2000 बच्चे इन तीनों में कॉमन है। तो नौकरी तो वो एक जगह ही करेंगे, ठीक है। अभी MCD में कोई वेटिंग पैनल नहीं है, लेकिन KV में 200% होता है, 100% होता है पैनल, और इसमें भी होना चाहिए। ये उन्होंने क्या किया है वो हमने RTI डाली है, उससे पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए, क्या होता है। चलिए सपोज कीजिए जो दिल्ली के बच्चे हैं, उनमें से सपोज करो 1000 बच्चे दिल्ली के हैं, तो वो MCD ज्वाइन करना पसंद करेंगे, और उन्होंने MCD ज्वाइन कर ली, KV का रिजल्ट आया, KV में वहाँ भी उनका नंबर आ गया है 1000 बच्चों का, तो जो वेटिंग लिस्ट बनी है, जो ऊपर वाले 1000 बच्चे हैं उनकी बल्ले बल्ले, उनका नंबर KVS में आ जाएगा, तो उनको जॉब इस तरह से मिलेगा। ऐसे ही DOE में जो बच्चे वहाँ कॉमन हैं और तो वो MCD चले गए हैं, तो जो DOE में वेटिंग लिस्ट होगी उनको वहाँ पर वेटेज मिल जाएगा जो ऊपर वाले हैं। तो अभी भी कोई बच्चा निराश न हो जो इस रेंज में है, उनको नौकरी अवश्य मिलेगी क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है। और तीन तीन ऑप्शन हैं अभी आपके पास में। एक ऑप्शन तो अभी आपके पास में चल ही रहा है, MCD वाला, DOE वाला बचा हुआ है और आपका KV वाला बचा हुआ है। तो इसमें आपको लॉस नहीं होगा, फायदा ही होगा जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में होंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी होता है आपके भले के लिए होता है, और आप सब लोग इस बात को मानिए कि आप सब लोगों को फायदा होगा जब इन दोनों के रिजल्ट भी आ जाएंगे, क्योंकि एक बच्चा एक ही जगह जाएगा, और जो वेटिंग लिस्ट बनती है, वेटिंग पैनल होता है, ये एक साल तक काम करता है, तो आपको साल के अंदर कभी भी बुलावा आ सकता है। जिन्होंने इंटरव्यू दिया है KVS में और जिन्होंने E-Dozer भरा है MCD या DOE में, तो ये एक साल तक वेट तो करें। देखो पेशेंस भी कोई चीज होती है। तो सबको जो बच्चे, जिस दिन बच्चों ने इंटरव्यू दिया है KV में और जिन बच्चों ने E-Dozer भरा है MCD में और आपके DOE में, वो एक साल तक वेट करें, उनको अच्छी खबर मिलनी ही मिलनी है। कुछ को तो श्योर 150 मिलेगी, अच्छी खबर 100% मिलेगी। तो इसी अच्छी खबर के साथ मैं प्रदीप कौशिक विदा लेता हूँ, और आपके भविष्य की उज्जवल कामना करते हुए नमस्कार, जय हिंद।